हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों, हमारी भारतीय रेलवे समय समय पे अपने सिस्टम और अपनी जो ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाने के लिए काम करती रहती है। दोस्तों, इसके लिए कई बार कई प्रकार के मेगा ब्लॉक लिए जाते हैं और इस मेगा ब्लॉक के दौरान कई सारे ट्रेनों को रद्द किया जाता है, पार्शली कैंसिल किया जाता है या फिर टाइम को बदला जाता है। दोस्तों, ऐसा ही एक बड़ा काम बिहार में होने जा रहा है, जिस कारण से स्वतंत्रता सेनानी, सप्तक्रांति एक्सप्रेस सहित बिहार की कई ट्रेनों का टाइम को बदल दिया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे क्या बड़ा डेवलपमेंट वर्क होने वाला है, कब से कब तक के लिए होगा और किस ट्रेन के टाइम को कितना बदला गया है। दोस्तों, सारी बातें होंगी इस वीडियो में डिटेल के साथ। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताएं और कोई भी शिकायत आपका है तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम इस बड़े वर्क की बात करें तो ये मुजफ्फरपुर जंक्शन पे होने वाला है 3 मार्च यानी कि आज से लेकर 16 मार्च तक, और ये जो वर्क होगा ये प्री-एनआई और एनआई का किया जाएगा। इसी कारण से यहाँ पे ट्रेनों की टाइमिंग को बदला गया है। दोस्तों, यदि हम टाइमिंग चेंज की बात करें तो सबसे पहली जो ट्रेन आती है वह 02558, ये ट्रेन 3 मार्च यानी कि सप्तक्रांति एक्सप्रेस 3 मार्च को 120 मिनट लेट आएगी मुजफ्फरपुर जंक्शन पे, 2 घंटे लेट। अगली जो ट्रेन है वह है ट्रेन संख्या 02558 यानी कि सप्तक्रांति, जो कि आनंद विहार से चलती है, ये ट्रेन 6 मार्च को करीब 75 मिनट लेट आएगी मुजफ्फरपुर जंक्शन पर। अगली जो ट्रेन है वह है वैशाली एक्सप्रेस, जो कि 3 मार्च यानी कि आज के दिन ये ट्रेन नई दिल्ली से खुलने के बाद और छपरा से लेकर रामदयालु नगर के बीच में 90 मिनट का स्टॉपेज लेगी। दोस्तों, अगली जो ट्रेन है वह है ट्रेन संख्या 02564, नई दिल्ली से सहरसा को आने वाली वैशाली एक्सप्रेस। दोस्तों, ये ट्रेन 6 मार्च को 35 मिनट का एडिशनल स्टॉपेज लेगी छपरा से लेकर रामदयालु नगर के बीच में। अगली ट्रेन फिर से यही ट्रेन है जो कि 7 मार्च को 150 मिनट यानी करीब 2.5 घंटे का लंबा स्टॉपेज लेगी छपरा से लेकर रामदयालु नगर के बीच में। दोस्तों, अगली जो ट्रेन है वह है मौर्य एक्सप्रेस, जो कि 4 मार्च को करीब 15 मिनट का एडिशनल स्टॉपेज लेगी छपरा से लेकर हाजीपुर के बीच में। अगली जो ट्रेन है वह फिर मौर्य एक्सप्रेस ही है, जो कि 8 मार्च को 60 मिनट का एडिशनल स्टॉपेज लेगी छपरा से लेके हाजीपुर के बीच में। अगली ट्रेन है रक्सौल से, लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रक्सौल के बीच आने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 05548, ये ट्रेन करीब 1.5 घंटे का एडिशनल स्टॉपेज लेने वाली है रक्सौल से लेके रामदयालु नगर के बीच में। दोस्तों, अगली जो ट्रेन है वह है कामाख्या से उदयपुर के बीच में चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, ये ट्रेन कटिहार से लेकर मुजफ्फरपुर के बीच में 210 मिनट यानी कि लगभग 3.5 घंटे का एडिशनल स्टॉपेज लेगी 4 मार्च को। अगली ट्रेन है नई न्यू जलपाईगुड़ी से अमृतसर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, ये ट्रेन भी 80 मिनट का एडिशनल स्टॉपेज लेगी 5 मार्च को। अगली जो ट्रेन है वह है नई दिल्ली सहरसा वैशाली एक्सप्रेस, ये ट्रेन 7 मार्च को करीब 15 मिनट का एडिशनल स्टॉपेज लेगी छपरा से लेकर हाजीपुर के बीच में। अगली जो ट्रेन है वह है ट्रेन संख्या 02554, नई दिल्ली सहरसा वैशाली एक्सप्रेस, ये ट्रेन 17 मार्च को छपरा से लेकर मुजफ्फरपुर के बीच में 60 मिनट का एडिशनल स्टॉपेज लेगी। अगली जो ट्रेन है वह फिर से सहरसा से लेकर नई दिल्ली से लेकर सहरसा के बीच चलने वाली वैशाली एक्सप्रेस ही है, जो कि 18 मार्च को 60 मिनट का एडिशनल स्टॉपेज लेने वाली है। अगली ट्रेन है जयनगर हमसफर एक्सप्रेस, जो कि अमृतसर से जयनगर के बीच चलती है, ये ट्रेन 7 मार्च को करीब 20 मिनट के लिए एक्स्ट्रा रुकेगी छपरा से लेकर मुजफ्फरपुर के बीच में। अगली ट्रेन है स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली से जयनगर के बीच चलती है, ये ट्रेन 16 मार्च को करीब 30 मिनट एक्स्ट्रा रुकेगी छपरा से लेकर मुजफ्फरपुर के बीच में। अगली ट्रेन फिर से यही है जो कि 17 मार्च को 30 मिनट का स्टॉपेज लेगी इसी रूट में। अगली ट्रेन फिर से यही है जो कि 18 मार्च को 30 मिनट का एडिशनल स्टॉपेज लेने वाली है इसी रूट में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको एडिशनल स्टॉपेजेस और टाइम चेंजिंग के बारे में पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।